चुनाव आयोग से अखिलेश ने की कैसी मांग? अखिलेश ने बताया ईसीआई का मतलब। जांच एजेंसियों पर लगाया क्या आरोप? लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से ही राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, लेकिन इसी बीच विपक्ष मोदी सरकार पर ईडी, सीबीआई और आईटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगातार लगा रहा है। विपक्ष का साफ साफ कहना है कि जो नेता सरकार के खिलाफ अपनी बात जोर शोर से उठाते हैं, उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया जाता है। हालांकि विपक्ष के इन आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि जो नेता भ्रष्टाचार में फंसे हैं, उन पर ही कार्रवाई की जाती है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी, सीबीआई और आईटी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को उम्मीद की किरण बताया है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, ई इजिकल टू ईडी, सी इजिकल टू सीबीआई, आई इजिकल टू आईटी। जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी विभाग के आगे पहले अक्षरों को मिलाकर ईसीआई बनता है, वो दरअसल इस बात का सकारात्मक इशारा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उम्मीद की वो किरण है जो बीजेपी सरकार द्वारा ईडी, सीबीआई और आईटी डिपार्टमेंट के दुरुपयोग पर आगे से लगाम लगा सकता है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने लिखा कि आज से हम 2024 के शुरुआती चुनावी महीने में प्रवेश कर रहे हैं। आशा है चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी निभाते हुए बेलगाम बेईमान सरकारी तंत्र को सक्रिय नहीं होने देगा और हमेशा की तरह लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए ढाल बनेगा। जब लोकतंत्र बचेगा तभी चुनाव आयोग की गरिमा और प्रतिष्ठा भी बची बनी रहेगी। अखिलेश ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव ही चुनाव आयोग की जीत होगी। इसके साथ साथ अखिलेश ने कहा कि चुनाव आयोग को निर्भय होकर निष्पक्ष चुनाव कराने और सभी दलों को बिना किसी पक्षपात और भेदभाव के चुनाव लड़ने के बराबर मौके देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। खास बात तो यह है कि सपा चीफ अखिलेश यादव का पोस्ट दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया ब्लॉक की लोकतंत्र बचाओ रैली के अगले दिन आया है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, डेरेक ओब्रॉन, दिवाकर भट्टाचार्य जैसे बड़े नेता शामिल हुए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इस रैली को कल्पना मुर्मू और सुनीता केजरीवाल ने भी संबोधित किया था। इस रैली में अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी मुद्दा उठाया गया था, बल्कि खुद अखिलेश यादव ने मंच से केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा था और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगा डाला था। इसी बीच अब अखिलेश यादव अपनी पोस्ट के जरिए केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहे हैं, बल्कि कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगा डाले हैं। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।